शुंभदां व्यास जी ने कहा, देखो जेमिनी, गंगा जो है पुण्य की बड़ी भूखी है। गंगा को हर समय पुण्य चाहिए। और गंगा को पुण्य चाहिए और काम है गंगा का पाप धोना, और चाहिए पुण्य तो फिर गंगा कैसे प्रसन्न रहती है और वो कैसे सुखी रहेंगी। जिसको जो चाहिए अगर वो न मिले तो वो सुख महसूस नहीं करते। तो स्वयं गंगा मैया भी कैसे सुखी रहेंगी अगर उन्हें मन चाहा व्यवहार ना मिले। महर्षि व्यास कहते हैं जय मुनि जी से, तो गंगा कैसे निर्मल होती है। गंगा को पुण्य प्राप्त नहीं है। परोपकाराय वहन्ति गंगा, परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकाराय दुहावकामः, परोपकाराय साधु को निर्मल करने के लिए सन्यासियों को ही परमात्मा ने भेजा है धरती लोक में। सन्यासियों का जीवन कितना महान है। भगवान व्यास जयमुनि ऋषि को कह रहे हैं, गंगा जब अपवित्र हो जाती है पापियों के पाप धोते तब भगवान कहते हैं, न्यासम न वेद शरीर स्पर्श। सन्यासी लोग फिर गंगा में स्नान करते हैं और तपस्वी सन्यासी योगी जब गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा के स्वयं के सभी पाप धुल निर्मलो प्रयात प्रयतो सरिताम सरिताम सम सब विदहित। वो स्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि सब विद सम सरिताम सब का हित करती है और गंगा का हित कौन कर सकता है। तो आसम जो सचमुच के सन्यासी न्यासम गृहतो प्रयात वेदम, वेद प्रमाण जिन्होंने सन्यास को धारण किया है अगर वो गंगा में डुबक लगा लेते हैं तो गंगा पूरी पवित्र हो जाए। यम पापं किल विषय मुंचन्त वासः एवं पदं भक्षामि। गंगा के इस स्पर्श मात्र से हमें भगवान विष्णु के पाद चरण प्राप्त हो जाते हैं। इतनी महिमा गंगा की है, पर यहाँ गंगा से भी अधिक महिमा सन्यास की बनती है। अब इसीलिए सभी सन्यासियों को चाहिए कि वो अपनी महिमा को कभी कम ना होने दें। यम न्यासो हो, आपने देखा होगा अभी थोड़ा युग बदल गया है पर प्राचीन काल में सन्यासी गंगा के किनारे ही रहा करते थे। उसका कारण जैसे महंगी कीमती फसल
जिसे जानवर खा सकते हैं, उसे बचाने के लिए कांटों की बाड़ लगाते हैं, अपने घर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री लगाते हैं, ऐसे ही गंगा की पवित्रता के लिए सन्यासियां चारों ओर बसते थे गंगा के तट पर। गंगा की पवित्रता निर्मलता है। अब लगभग हरिद्वार में लोग कहते हैं कि यहाँ 40-50 हजार साधु रहते हैं। अगर उन साधुओं में से भी 5,000-2,000 भी वेद शास्त्र के अनुसार सन्यासी हैं, तो गंगा मैया उन्हीं से प्रसन्न रहती है। इसीलिए मुझे लगता है सब हरिद्वार हर की पौड़ी में गोता लगाते हैं, दुबक लगाते हैं, स्नान करते हैं। अच्छा, चारों तरफ गंगा बह रही है हरिद्वार के, पर हर की पौड़ी में ही पूजा पाठ और गोता लगाते हैं, वहीं जाकर दुबक लगाते हैं, वहीं स्नान करते हैं। स्नान करते समय, गंगा के तट पर विराजमान होते समय और गंगा के तीर्थ में, गंगा क्षेत्र में वास करते समय अन्यान कर्मम विभूषितम् दस्यम कर्म अनर्गलम् आभ्यांत कर्म शोषयति जातां कर्म विभूषितम्। ऐसा कोई कर्म हमें नहीं करना चाहिए जिससे गंगा भी ना सुधार सके ना पवित्र कर सके। तो गंगा में, गंगा के वास, हम लोग इस समय कहाँ हैं? गंगा क्षेत्र में हैं। श्री क्षेत्रम गंगाम, ये गंगा क्षेत्र है। और गंगा के दोनों किनारों के 5-5 किलोमीटर तक भगवान शंकर और भगवान विष्णु का पहरा रहता है, ये ध्यान रखना। जैसे बैंक में पहरा रहता है कि नहीं, बंदूक वाला खड़ा रहता है बैंक में, वहां संपत्ति है, लक्ष्मी है। कंपनियों के सामने, फैक्ट्रियों के सामने, मंत्री संत्रियों के सामने भी गार्ड खड़े रहते हैं, उनके पास भी ऐश्वर्य होता है, उनके पास संपदा होती है, वहां भी चौकीदार। इसलिए गंगा मैया के पास में तो सबसे ज्यादा संपदा है, इसलिए स्वयं शंकर और भगवान विष्णु उनके दोनों किनारों पर पहरा कर रहे हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि हमें गंगा से 5 किलोमीटर दूर भी कोई असत्य कर्म नहीं करना चाहिए। असत्य कर्म क्या होता है? जैसे अभी आज हमने देखा घाट पर, हम लोग जब जा रहे थे कलश यात्रा करने के लिए गाड़ी में, कार में, हर की पौड़ी से 100 मीटर दूर ही चाय की दुकान, कचौड़ी की दुकान, नाश्ते की दुकानों पर लोग बैठे थे, यात्री लोग नहा धोकर आए थे, उनके माथे पर शिव जी का त्रिपुंड तिलक लगा था, तो हम समझ गए नहा क्या है, और बीड़ी फूक रहे दुकान पर बैठे बैठे। गंगा की महिमा सुना रहा हूं, एक एक चीज आपको प्रमाण से सुनाऊंगा। अब मैं गंगा की महिमा सुनाने के लिए ब्रह्म पुराण ला रहा हूं। ब्रह्म पुराण का प्रमाण देकर मैं ये बताऊंगा कि गंगा नहाते समय, गंगा में नहाने के बाद, या गंगा से नहाने के पहले, या गंगा के 5 किलोमीटर इधर या उधर आदमी धूम्रपान करता है तो उसे क्या फल प्राप्त होता है। वैसे मैं ये कथा सुनाने वाला नहीं था, पर क्या करूं, कलश यात्रा से पहले ही बीड़ी का धुआं दिख गया, तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज मैं इसी पर थोड़ा बोलूंगा।
तो भगवान शंकर पार्वती दोनों बैठे हैं,